Assalamualaikum, मैं सुरेखा अरफान सुरेखा किचन से। तो आज बनाते हैं सूजी फिश फ्राई क्विकली, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मच्छी बनाते हैं आज। चलिए, ये है आधा किलो मच्छी। जैसे आप देख सकते हैं पूरी पापलेट है और अंदर से सारी गंदगी निकाल ली है और सारा ब्लैकनेस भी मैंने अच्छे से हल्के हाथ से निकाल लिया है। वैसे मच्छी साफ़ कैसे करते हैं उसकी रेसिपी है, मैंने अपलोड की है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर ना मैंने मच्छी धोने के बाद आगे और पीछे डीप स्लिट्स मार देती हूँ दोनों मच्छियों के ऊपर। आधा किलो मच्छी है, आप चाहें तो पीसेस भी ले सकते हैं आधा किलो, और कोई भी मच्छी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर पापलेट ले रही हूँ। अब ये जो स्टेप है ना मैं हमेशा करती हूँ, हर मच्छी में करती हूँ, कोई भी मच्छी हो या कोई भी तरीके का सालन बना रही हूँ मच्छी का, या फिर कोई पुलाव बन रहा है, मच्छी की कोई भी डिश बना रही होती हूँ तो ये स्टेप ज़रूर करती हूँ कि नमक डाल देती हूँ अच्छे से आगे पीछे, और ये जो स्लिट्स हैं इनमें बहुत अच्छे से रब कीजिए। अगर आप पीसेस ले रहे हैं तो पीसेस में भी आगे पीछे लगा के अच्छे से रब कर लीजिए। ये जो हमने स्लिट मार के गंदगी जहाँ से निकाली है उसमें भी अच्छे से नमक डाल दीजिए और इसे ढक कर मैरिनेट करने, आप चाहें तो साइड पर रख सकते हैं एक घंटे के लिए या फिर फ्रिज में रख सकते हैं, मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अब ऐसा करने से क्या होगा ना, ये स्टेप से हमारी जो मच्छी है ना उसका टेस्ट और दुगना बढ़ जाएगा और अंदर से फीकी नहीं लगेगी, बहुत ही डिलिशियस लगेगी। जब ये एक घंटा हो जाए तो आप ये जो मच्छी है हमारी इसे पानी से अच्छे से धो लीजिए, तो जो सारा नमक हमने डाला था वो सारा निकल जाएगा। तो जो नमक अंदर तक गया है हमें अच्छा नमक अंदर तक मिलेगा और डिलिशियस हमारी मच्छी अब खाने में लगेगी अंदर से भी। चलिए अब हम मैरिनेशन बनाते हैं। एक प्याले के अंदर एक टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अच्छा अगर आपकी स्पाइसी हो तो कम डालिएगा, आधा छोटे का चम्मच भर कर धनिया पाउडर, आधा छोटे का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच नमक, एक छोटे चाय का चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक टेबलस्पून तेल, एक या डेढ़ छोटे चाय का चम्मच नींबू का रस, दो छोटे चाय के चम्मच मैं लहसुन को है ना कूट कर डाल रही हूँ, आप पीस कर भी डाल सकते हैं, और मैं यहाँ एक टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ और इसे डालकर बहुत अच्छा एक पेस्ट टाइप बना लीजिए हमारे मिक्सचर का। मैं ज़्यादा एक साथ नहीं डाल रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ, सो दैट एकदम एक साथ डाल देंगे ना तो बहुत पतला मिक्सचर हो जाएगा मैरिनेशन का, जो मज़ा नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, अब ये मैं कोशिश करती हूँ कि ये मसाला लग सके तो लगाइए, नहीं तो मैं एक डेढ़ टेबल स्पून पानी और डाल रही हूँ। अभी हम पानी डालने का जो है ना आपके हिसाब से डाल सकते हैं, ऐसा कीजिए कि एकदम पतला ना हो जाए, गाढ़ा रहना चाहिए हमारा ये जो मैरिनेशन है। तो बस इसे अब आप ये मच्छी के उलट पलट कर बहुत अच्छे से लगाते जाएं, बहुत अच्छे से रब करें, हमारी जो स्लिट्स हैं उसके अंदर भी लगाएं और दोनों मच्छी पे अच्छे से लगा दें, वेल कोट कर दें हमारे ये मसाले में, और इसे भी ढक कर आप चाहें तो बाहर रख सकते हैं या फिर फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए, आपके पास जितना समय हो उतने समय के लिए मैरिनेट करने रख दें। लेकिन एक घंटा डेढ़ घंटा रखेंगे तो ये मसाला जैसे थोड़ा अंदर तक जाएगा तो स्वाद ज़्यादा बेहतर आएगा ना। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा देर तक आप मैरिनेट करने रख सकें तो रख दें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ढक कर थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट फ्रिज में रहने दें, नहीं तो आप यहीं से ही हमारा जो आगे का प्रोसीजर है वो भी शुरू कर सकते हैं। मैंने एक डेढ़ घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ढककर, आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं अगर बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल मतलब एकदम ज़्यादा गर्म ना हो तो। एक प्लेट के अंदर आधा कप रवा डाल दीजिए। अच्छा मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही रवा डाल रही हूँ क्योंकि मेरी तीसरी मच्छी भी है जिसे मैं यही रवे में डालकर थोड़ी सादी टाइप बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने थोड़ा रवा ज़्यादा लिया है। अब कुछ नहीं करना है, आपने रवे के ऊपर इस तरीके से हमारे मच्छी को अच्छे से उलट पलट कीजिए तो रवा सारा चिटक जाएगा, बस ऐसा करना है कि उसे चिपक जाए, इस कदर आपने करना है कि पूरे ओर ये देखिए साइड में थोड़ा अगर लग रहा हो तो इस तरीके से उठाकर भी आप डाल सकते हैं, और अगर आपके पीसेस भी हो तो बेहतर ही बात है क्योंकि वो आप इस तरीके से जैसे ही रखोगे वो दोनों ओर उलट पलट करते जाएंगे आप तो दोनों ओर से चिटक ही जाएंगे।
चलिए अब ये जो आप रवा लगा ले तो इसे साइड पर रख दीजिए। दूसरी मच्छी को भी इसी तरीके से आप रवे में अच्छे से लोट लीजिए। ज़्यादा कुछ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो हल्के हाथ से किया है, बट बहुत ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पीसेस भी किए हैं तो पीसेस भी आप इसी तरीके से वेल कोट रवे में कर लीजिए। पूरा वेल कोट हो जाना चाहिए रवे में, बस बात ये है। अब उसी समय फ्राई पैन का चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। अच्छा गर्म हो जाए तो मीडियम आंच कर उसमें तेल डाल दीजिए और उसे भी गर्म होने दीजिए तेल को। अच्छा ये तेल है ना, मैंने कल प्रॉन्स फ्राई किए थे वही तेल है, आप फ्रेश तेल भी ले सकते हो। चलिए अच्छा गर्म हो गया है, यहाँ मैं चूल्हा एक मिनट के लिए स्लो कर रही हूँ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये जो मच्छी है मैं ये दोनों लगा देती हूँ फ्राई पैन के ऊपर। अब चूल्हा मीडियम फिर से कर देती हूँ और आधे एक मिनट तक पकने दीजिए। जब एक मिनट हो जाए तो पलट दीजिए, दूसरी मच्छी को भी पलट दीजिए। अगर आपने पीसेस लिए हैं तो पीसेस को भी पलट दीजिए और उलट पलट करते हुए चारों ओर से फ्राई कीजिएगा। हाँ, क्योंकि क्या होता है जब आप साबुत मच्छी फ्राई कर रहे हो ना तो साइड्स के है ना कभी कभी कच्चे रहने का डर रह सकता है, तो इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करते जाइए। और जो तेल हो तो कोशिश कीजिए कि आपका जो फ्राई पैन है थोड़ा सा आप टिल्ट करें तो तेल साइड्स पर आएगा, तो आपका जो साइड का जो एजेस है वो भी पक जाएगा। और पीसेस है तो पीसेस में प्रॉब्लम नहीं आती है इस कदर, तो हल्का हल्का मैं प्रेस करती जा रही हूँ और तकरीबन समझिए ना 4-5 मिनट तक इसी तरीके से दोनों ओर से उलट पलट करते हुए हमारी मच्छी को फ्राई कर लें। 4-5 मिनट में तो आराम से हमारी मच्छी पक जाएगी। अब आपको ये है कि 4-5 मिनट में अगर आप निकालते हो तो कच्ची अगर रह गई तो उसका मैं आपको एक प्रोसीजर बता देती हूँ। एक वे ये है कि आप छुरी लीजिए, इस कदर अंदर डालेंगे और बहुत ही आसानी से चली गई छुरी, इसका मतलब आपकी मच्छी हो चुकी है। और अगर हल्का भी आपको प्रेशर लगा डालने में लग रहा है इसका मतलब मच्छी अभी भी आधे एक मिनट तक होने के लिए बाकी है, तो उसे आधे मिनट एक मिनट तक रहने दीजिएगा। मेरी मच्छी हो चुकी है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट के अंदर। अब मैं इसके साइड पर सलाद डालकर बहुत अच्छे से ज़रा खूबसूरत बना रही हूँ सो दैट देखना भी अच्छी लगे ना, खाने से तो पहले देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए। आप चाहें तो एज इट इज़ ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डालें और गर्मा गर्म हमारी बढ़िया सी डिलीशियस फिश रवा फ्राई को सर्व कीजिए। मेरी पापलेट हो गई है रेडी सर्व करने के लिए। और हाँ, नींबू निचोड़ कर खाइएगा, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय करोगे, मुझे याद रखोगे ये वाली रेसिपी में। मैं इसे कोथमीर की चटनी बनाई हूँ उसके साथ सर्व कर रही हूँ, आप एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये बन गई हमारी बढ़िया सी, मेरी तो पापलेट रवा फ्राई फिश फ्राई कह सकते हैं। वैसे मैंने कुछ मच्छी और झींगे की रेसिपीज़ यानी कि सी फूड रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अपलोड की, आप लोग के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, इनफैक्ट पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है, चेक कर लीजिएगा। और मच्छी और झींगों की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कहिएगा, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की, अगर ये रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए वाले वीडियो को, उससे ज्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के जरूर लिंक्स फॉरवर्ड कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।